सब्सक्राइब कीजिए कसाना जी टेक्निकल चैनल को न्यूएस्ट मोबाइल के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट और ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कसाना जी टेक्निकल पर। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं Redmi 10 Prime का स्क्रैच टेस्ट। दोस्तों Redmi 10 Prime आता है कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में। हम इसका सबसे पहले नाइफ से टेस्ट करेंगे, उसके बाद ये कॉइन से हमारे पास में इनसे करेंगे, और फिर हम करेंगे इसका डस्ट टेस्ट। बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले एक कंपनी अपने आप प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर हमें लगा के देखती है। इसको हम हटा लेते हैं, इस पे से ये हम इसको हटा करके रखते हैं साइड में। इसके बाद इसका हम स्क्रैच टेस्ट करते हैं। दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको मिलती है Redmi 10 Prime पर। आप देखेंगे कि हल्के से हेयरलाइन स्क्रेचेस आपको दिख रहे होंगे। ये हम कुछ कॉइन्स यूज़ करते हैं, आपके पॉकेट वगैरह में कॉइन्स भी होते हैं जिनसे स्क्रैच आने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं आपको कुछ स्क्रैचेज इस पर दिखाई दे रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। अब ये कॉइन चेंज करते हैं। तो दोस्तों आपके Redmi 10 Prime पर कॉइन से स्क्रैच लग जाते हैं, तो ये आप देख के रखें, बचा करके रखें अपने मोबाइल को, कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के रखें। अब बात करते हैं हम डस्ट की, और सबसे पहले थोड़ा सा हम डस्ट ले लेते हैं। और सामान्य रूप से ही इसको हम रब करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोबाइल पर स्क्रैचेज आते हैं वो डस्ट से ही आते हैं। आप देख सकते हैं डस्ट के बाद में इस पर स्क्रैच साफ दिख रहे होंगे आपको, पूरी स्क्रीन पर इसके पर स्क्रैच दिखाई दे रहे हैं। अगर हम एक ही जगह करें तो वो भी आपको साफ दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों नाइफ से, कॉइन से और उसके बाद डस्ट से हमने इस पर स्क्रैच लगाए, और इस पर आसानी से स्क्रैच लग जाते हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आता है आपका Redmi 10 Prime। तो आप अपने मोबाइल को स्क्रैच से बचाने के लिए कोई अच्छी सी प्रोटेक्शन इस पर लगा कर रखें, जिससे कि इस पर आसानी से स्क्रैच ना लगे। तो दोस्तों ये था हमारा Redmi 10 Prime का एक छोटा सा स्क्रैच टेस्ट। ये स्क्रैच टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर, और आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।